बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने WDV मेथड शुरू किया था, कल हमने WDV में एडिशन देखा था, आज हम WDV में डिस्पोजल देखने लगे हैं। WDV में डिस्पोजल देखने लगते हैं। मिस्टर सन्नान हैज़ प्रोवाइडेड यू विथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बिल्डिंग है, साल के पहले दिन उसकी चेयर दे कॉस्ट है, ये कॉस्ट का BD है और ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD। अगर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD है और कॉस्ट का BD है तो फिर इन दोनों BD की एंट्री बताएं। कोई एंट्री नहीं, ठीक है। ये क्या है? एडिशन। डेट वाइज लूँ आइटम वाइज? ये पहले और ये बाद में, ये दो एडिशन हो गए। ये क्या है? एक कब हुआ? एक कब हुआ? ठीक है। आइटम वाइज चलूं डेट वाइज तो कौन पहले लिखो, कौन बाद में लिखो? ठीक है। माजी में कब खरीदा था? कब खरीदा? कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा था? कितने का बेच दिया? कितने का बेच दिया? इसका मतलब हम जिस कबाड़न को बेच रहे हैं वो कोई हल्की कबाड़न नहीं, वजनी है। देखो 4.5 लाख भी दे रही है और हमें नहीं मिली ऐसी कबाड़न जिंदगी में। चल ओए, आजकल कबाड़ने बड़ी अमीर हैं अल्लाह के बंदो। मैंने कल भी बताया था फैक्ट्रीज जो है इन कबाड़ियों के एडवांस पे चल रही हैं। डेप्रिसिएशन रेट इज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बनाने हैं? रेलिवेंट अकाउंट्स कितने होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। डिस्पोजल अकाउंट कितने बनेंगे? दिमाग के दो हिस्से कर लो। कल तक स्ट्रेट लाइन था, आज और कल दोनों आ जाएंगे। कल सबसे पहले किसका फॉर्मेट बनाओ, फिर किसका बनाओ? शुरू करो। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। क्या गुम हो गया? इसने बदला लिया बच्ची ने। ढूंढो कौन सा था इसमें से। दिस वन, अब नहीं हिलाना है मेरे बच्चे। थैंक यू। बातें नहीं मेरे बच्चों, प्लीज शाबाश, बातें नहीं यार। टाइम ज्यादा हो ना तो मैं आपको रोकू ना, टाइम कम होता बेटा।
ओपनिंग बैलेंस कब है बेटा? एक एक सात। कितना है कॉस्ट का? एक एक सात। बैलेंस बीडी 8 लाख। पहला एडिशन कब हुआ? एक। बाय करने की एंट्री बताएं। बिल्डिंग डेबिट कितने से? फिर कब खरीदा? एंट्री बोले कितने से? पहला डिस्पोजल कब गया डेट वाइज? 31। और दूसरा कब गया? 31 8। पहले के जाने की एंट्री बोले डिस्पोजल डेबिट अपनी कॉस्ट बताएं। 5 लाख। इसीलिए तो क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि गलती नहीं करनी आपने। बात इसकी कर रहे हैं तो कॉस्ट इसकी बताएं, बात इसकी कर रहे हैं कॉस्ट ऊपर वाले की बता रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7 लाख। हसनैन की तरह देखो, इस तरह तो फिर पीछे रह जाएगा ना, छुट्टी करेगा तो। अच्छा वो लॉन्ग में नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। हसनैन साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली आप इस क्लास में बैठा करें। आप छुप के उधर बैठ गए कि सर अंसारी मजाक करेंगे तो बच्चे हंसेंगे। आप मेरी क्लास के हंसने की रीज़न है, आपने इधर बैठना है। बोलें जी कॉस्ट 7 लाख। फिर दोबारा एंट्री बोलें कितने से? साल का आखिरी दिन आ गया, टोटल करें 3 लाख। गरीबो 3 लाख का अल्लाह की बंदी हो, 33 लाख। मैं गरीब आदमी हूँ, काइंडली मुझे ऐसे ना डराया करें आप। बैलेंस सीडी बताएं। डेट बोले 31 12। सा डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करेंगे? 31 12। एंट्री बोले वर्किंग नंबर 1। चलें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? 2000। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। मेथड कौन सा है? ये जो 23 लाख वाले एसेट हैं, ये अपनी जिंदगी के पहले साल में या सबसीक्वेंट में? ये 23 लाख इनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे होनी है या WDV पर? WDV के लिए क्या माइनस करो? कितना? यहां जरा गौर तलब बात है, ध्यान से पूरी बात सुननी है। 23 लाख में से 8 लाख माइनस कर दूं तो बाकी बचे ये 15 लाख क्या है?
किन एसेट्स की? ऑल ओपनिंग एसेट्स. क्या बोलोगे? क्या ये ऑल ओपनिंग एसेट्स पूरे साल इस्तेमाल होंगे? इनमें से दो छोड़कर चले जाएंगे, इनमें से दो छोड़कर. तो ये क्या है? WDB किसकी? यहां कौन से एसेट्स होने चाहिए जो सारे साल इस्तेमाल होंगे? तो कह सकता हूं इन एसेट्स में से दो एसेट बाहर निकलने चाहिए. ये तमाम एसेट्स की WDV है. तो यहां से आउट भी WDV होनी चाहिए. 15 लाख क्या है? WDV. तो WDV में से क्या निकलेगी? WDV. और से सुने, WDV में से क्या निकलेगी? किसकी? डिस्पोजल की. ये WDV किस डेट की है? एक एक. तो इसमें से कौन सी WDV निकलनी चाहिए? एक एक सात की. एक एक सात की इसकी WDV निकलनी चाहिए, और एक एक सात को ही इसकी WDV निकलनी चाहिए. लेकिन ये दोनों तो कॉस्ट है, और दोनों की एक एक सात की WDV क्वेश्चन में नहीं है. ढूंढे कहीं नहीं है. नहीं है. अब याद करें इंट्रो. इंट्रो में एक टेबल बनाया करते थे WDV. पहले साल कॉस्ट होती थी, डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, WDV आती थी. फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, फिर WDV आती थी. फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, फिर WDV आती थी. तो वो टेबल इसके लिए भी बनाएंगे, और चलाते चलाते उसे कहाँ पे ले आएंगे? पहले किसका टेबल बनाऊंगा? 7 लाख का. टेबल कब से बनना शुरू होगा? परचेज डेट से. जाके देखें कब परचेज हुई. इसलिए तो क्वेश्चन ऐसे बनाया है. मैं अगर सीधा इंसान होता तो इसे पहले लिख देता, इसे बाद में लिख देता. लेकिन एग्जामिनर सीधा नहीं है. एग्जामिनर कहता है बच्चे ने रट्टा लगाया है, बस जो पहली फिगर है उसी उठा के ठोक देता है. हालांकि पहले ने दूसरे पे जाना है और दूसरे ने. अब बताएं ये 7 लाख वाला कब खरीदा? तो फिर आज से एग्जाम में फोकस किस पे करोगे? डेट पर. कब खरीदा? 1-9-5. कितने का खरीदा? कितने का? 7 लाख. पहली डेप्रिसिएशन 31/12, 5 और कॉस्ट पर, जैसे इन्होंने बताया डेप्रिसिएशन. 7 लाख का कितने परसेंट? फ्रैक्शन लगाऊं कितनी? 4/5. बोलो जी. टू टेट्रा. कोई बच्चा ऐसा ना हो जो दूसरों के आंसर पे रिलाई कर रहा हो. इसमें से ये माइनस कर दे. ये क्या है? किस डेट की? रुक जाऊं या आगे जाऊं? कब की डेप्रिसिएशन लो? 31/12. ये क्या है? इस पर क्या लगा दूं? कितने परसेंट? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों? कितना बना? 667. माइनस करें 591,000.
ये क्या है? किस डेट की? बेटा बातें ना करें, इसी 31/12/6 को क्या कहूँगा? एक एक सात पर क्या आ गई? WDB। ये 1,500,000 कप की WDB है, एक एक, और ये 6,09,000 कप की WDB है। माइनस कर दूं? क्यों कर रहा हूं माइनस? क्योंकि मुझे यहां उन एसेट्स की WDV चाहिए जो पूरे साल रिटेन हुए, और ये उसकी WDV है जो रास्ते में हमें छोड़कर, जब ये छोड़कर चला जाएगा तो इसे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम उन एसेट्स को लेना चाह रहे हैं जो 12/12 इस्तेमाल होंगे, और ये 12/12 इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए बाहर निकाल दिया। कितना होगा ये बाद में देखेंगे। जब इसे निकाल दिया तो इसने कहा मैं भी तो जाने वाला हूँ, मैं भी तो इसमें मौजूद था, मेरी भी WDV बाहर निकालो, क्योंकि मैं भी पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने कहा तेरा भी इलाज करते हैं। हमने दोबारा से पूछा, बता भाई तू कब बाय हुआ था? एक एक चार को कॉस्ट बताएं, 5,50,000। पहली दफा कब डेप्रिशिएट हुआ? 31/12। जिंदगी का पहला साल है तो डेप्रिसिएशन किस पे लूंगा? इनटू 10%। फ्रैक्शन कितनी लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? पूरा साल कितना हुआ? 495,000। ये क्या है? कब की? अगली डेप्रिसिएशन 490 इंटू फ्रैक्शन लगाऊं कितना आया? 49 माइनस करें 445,500। ये क्या है? किस डेट की? रुक जाऊं या आगे जाऊं? कहां जाऊं? 31/12 क्या कैलकुलेट करूं? 445,500 इंटू, मैं अकेला तो नहीं हूं, ये ना बाद में पता चले मैं अकेला ही काम किए जा रहा था। कहां ये बोले भाई? 445,500 माइनस करें 400। ये क्या है? किस डेट की? 31/12/6 का दूसरा नाम। कितनी माइनस करूं? 400,95। बोले आंसर। फोर 900,550। अब ये किसकी WDV है? ध्यान से जवाब दीजिएगा। वो वाले एसेट जो पूरा, सबको क्लियर है? अब इस पे कितने परसेंट लगा दूं? फ्रैक्शन लगाऊं? और अगर बहुत दिल चाह रहा हो, क्या आंसर आया? 49,00। ये किन एसेट्स की डेप्रिसिएशन है? जो पूरा साल इस्तेमाल हुए। मैं अकेला तो नहीं हूं। अब एडिशंस की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करें, इसमें कोई इशू नहीं है। दो मिनट दे रहा हूं आपको। इस साल जो एडिशंस हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन आप मुझे कैलकुलेट कर दें। भाई कल तक स्ट्रेट लाइन मेथड था, आज कौन सा मेथड है? WDV मेथड। और WDV मेथड में पुराना एसेट हो तो उसकी डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट पे नहीं होती, किस पे होती है?
तो पहले मैंने उसकी क्या बनाई, WDB, और उसमें से जाने वालों की ओपनिंग WDB माइनस की, ताकि मैं उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकूं जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। तो स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होती है, और WDB मेथड में से WDB में से WDB माइनस होगी। तो पहले सारे ओपनिंग एसेट्स की WDB निकाली, फिर उनमें से जाने वालों की ओपनिंग WDB माइनस की है। थोड़ा सा एसी कम कर दो, 20 पे कर दो। नो एडिशंस, आए बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस डेट वाइज बताएं, पहला एडिशन कब हुआ? एक दो कॉस्ट बताएं इनटू रूल रूल बाइंग से काउंट करें, अमाउंट बताएं, 3। दूसरा एडिशन रेट रूल उंगलियों पे काउंट करें, अमाउंट 4 8। अब क्या लेना है, डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताएं डिस्पोजल जो हो रहा है ये उनकी जिंदगी का पहला साल है या सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट है तो WDB पे लूं कॉस्ट पर, और कौन कह रहा है कॉस्ट पे भाई, भाई WDB भाई, इंट्रो नहीं भूलनी मेरे भाई, इंट्रो नहीं भूलनी। WDB मेथड हो, पहला साल हो, कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंट ईयर हो तो WDB पर। ऑलरेडी मेरे पास एक एक साथ की WDB है, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। ये 7 लाख वाला कब जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 31 5 7 क्या लूं, डेप्रिसिएशन कितने पर, 609000 इनटू रूल। दोबारा बोले, यहां से यहां तक काउंट करें, 5/12 आंसर दें, 25375 चेक कर ले सही है, माइनस करें, WDB बताएं। जी बेटा 5836, ये किसकी डेप्रिसिएशन आ गई, पहले डिस्पोजल की, ठीक है, ले आए इधर फिगर लिखवाएं भाई, 25375 है बीबी, 25375
कमजोर बच्चों ने 12 बजे के बाद आंसर नहीं देना होता, क्योंकि आखिरी 6 घंटे चल रहे होते हैं, ठीक है, हिम्मत करनी है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ आपके लिए तसल्ली के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, 609000 इंटू 10% इंटू 5/5। जब आप बड़े हो जाएंगे तो यहाँ लिखना छोड़ दूंगा। अच्छा, आप तो अभी बड़े हो रहे होते हैं, एग्जामिनर पहले से बड़ा हो चुका होता है, आपको ये फिक्र नहीं होती आपका आंसर ठीक हो जाए, आपको ये फिक्र होती है सर उसे कैसे पता चलेगा। वैसे ही जैसे अब्बा जी को आपकी हरकतों का पता चलता है, उन्हें कोई बताते हो कि अब्बा जी आज मैंने ये पंगा किया है, उन्हें पहले पता होता है कि आज मेरा वली है ये चांद चढ़ा के आया है। तो जैसे अब्बे को पता होता है ऐसे ही एग्जामिनर को भी पता होता है कि ये फिगर कैसे आई है। आपने टेंशन, आप बस अपने आप को संभाल लें, आपका यही बहुत बड़ा एहसान होगा माँ बाप पे, अपने आप को संभालेगा, अपनी वाली को संभाल लीजिएगा, बाकी अब्बा अपनी वाली को संभाल के खुद ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। समझ गए? तो तुमने किसे संभालना है? हाँ चलो आओ, अब आओ मेरे दोस्तों इधर। कब चला गया बेटा, कब गया? 31/8/7। क्या करूँ? 400950 इंटू रूल कितना बना? 8/ बोलो 267 माइनस करें 374 22। ये क्या है? कब की? ओके, हो गया। यहाँ लाके दोबारा लिख दें, 400950 इंटू 8/ आंसर 26730। पढ़े बिस्मिल्लाह करें, टोटल जी 18652। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कब का? 2000। एंट्री बताएं, 186527 जमा करें, 986527। समझ आ रही? अब क्या करूंगा? जाने वालों की यहां कॉस बाहर निकाली है, अब उनकी पहले की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब बाहर निकालूंगा? दूसरे की 31/8/7। क्लोजिंग बैलेंस कब होगा? 31/12/7। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाहर निकालने की एंट्री बताएं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, दूसरी दफा क्या एंट्री होगी? बैलेंस सीडी की क्या एंट्री होती है? शाबाश, अगर ऐसे चलते रहोगे और रेगुलर रहोगे तो इंशाल्लाह हारोगे नहीं, अल्लाह ने चाहता। जैसे सीनियर को आसान लगता है पेपर पढ़ के और वो आके कहते हैं सर पेपर में कुछ नहीं था, इंशाल्लाह आपको भी लगेगा, शर्त ये है कि छुट्टी नहीं करनी, रोज का काम रोज करना है इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो तुम इस वक्त ठंडी मशीन में सुकून से बैठे हुए हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स इस वक्त किसी ना किसी स्ट्रगल में होंगे, वो किसी स्ट्रगल में होंगे। किसके लिए करते हैं? अपनी जात के लिए नहीं करते। याद रखिएगा, आप फादर नहीं हैं, आप मदर नहीं हैं, आप लोगों को नहीं पता मैं फादर हूँ और मैं बेटा भी था, इसलिए मुझे पता है कि इंसान हमेशा जो कुछ करता है वो अपनी औलाद के लिए करता है। इसलिए तो माँ बाप के लिए आजमाइश है औलाद, औलाद आजमाइश है, क्योंकि औलाद को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए हम सर धर की बाजी लगा देते हैं तमाम पेरेंट्स। मैं नहीं, आपके वालिद साहब अकेले नहीं, सारे पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं कि हमारी जो है औलाद कुछ बन जाए, ये किसी मुकाम पे पहुंच जाए। तो आपने अपने माँ बाप के साथ सिंसियर लेना बेटा, माँ बाप के साथ सिंसियर रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, अल्लाह ने चाहता। आओ बेटा, अब ज़रा देखना इंट्रो,
और ये इंट्रो जान नहीं छोड़ेगा तुम्हारी, और वो जुमला सारी ज़िंदगी याद हो जाएगा अब इंशाल्लाह। क्या अब याद करो ज़रा, WDB का फार्मूला क्या होता था? जिस दिन ये फार्मूला लिखा था उस दिन कहा था अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है? कॉस्ट माइनस WDB। उसी दिन कहा था कॉस्ट किसके बराबर होती है? बोलो, WDB प्लस। और इंट्रो में खड़े होके कहा था कि ये आगे चल के यूज होगा। जिस भी टीचर से आपने इंट्रो पढ़ा उसने भी ये कहा होगा, क्योंकि हर वो टीचर जो क्वालिफाइड है वो अपने बच्चे को इंट्रो में ही ऐसे तैयार करता है, उसे पता होता है आगे कहाँ कहाँ किस किस चीज़ ने यूज़ होना है। वजह एक तो वो खुद CA में ये सारी चीज़ें करते करते क्वालिफिकेशन पे पहुँचता है, और फिर वो साला साल पढ़ा पढ़ा के इस चीज़ में ट्रेन हो चुका होता है कि यार बच्चे को एग्जामिनर कहाँ कहाँ से हिट कर सकता है। इसे जहन में रखिएगा। जब मैं ये कहता हूँ ना इंट्रो में कहा था, तो मेरा ये गालिब गुमान होता है कि हर टीचर ने ये बात बताई हुई होती है। ठीक, ये तीन फार्मूले ज़िंदगी में याद रखना। अब बताओ मुझे यहाँ क्या चाहिए? किसकी, कब से, ये मुझे रोजा लगवाएंगे यार, ऐसी ऐसी बात कर रही है यार। बोलो जी, ये क्या है? किसकी, कब से, कब तक? हाँ, अब पूरा जुमला बोलो, ये क्या है? बाइंग से, तो फिर कोई ओपनिंग से ईयर एंड नहीं है, कोई ओपनिंग से डिस्पोजल नहीं है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, छू छू। आ जाओ, आज सुनो, आपने ये भी डेप्रिसिएशन ली, ये भी ली और ये भी ली, ठीक है। अब अगर हम इन तीन को जमा करें तो ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही बनेगी। ज़रा तीनों को जमा करें, ये और ये, अपनी ज़िंदगी में ये तीन दफ़ा डेप्रिशिएट हुआ है। भाई आपका कैलकुलेटर कहाँ है मौलाना? कमाल हो गया यार, आप हर चीज़ पे उस पर रिलाय करोगे, ना करो यार, शरीफ आदमी हो आप यार। बस अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, अपनी अपनी है। आगे चलो, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला बोलो, दोबारा बोलो। कॉस्ट एक हकीकत है और हकीकत तब्दील, तो कॉस्ट कितनी है? किस दिन की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए? ये WDB कब की है? इस कॉस्ट में से ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए WDB माइनस कर दो, कॉस्ट माइनस WDB। बोलो जी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11637। पहले क्या आंसर आया था? यही था। तो दो तरीके हैं, या तो इन तीन को जमा कर दो, या फिर कॉस माइनस। बोलो, कौन सा शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट, क्योंकि इधर 5 साल हो गए, तो 5 दफा कौन कैलकुलेटर प्रेस करे? पेपर में टाइम ही तो लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए ये फार्मूला यूज किया करेंगे। लिखवाएं जी, 11637। अब तुम्हें तुम्हारी कसम है, 1 2 3 4 जमा करो हर बच्चा, 1 2 3 4 हर बच्चा जमा करे, 1 2 3 4 हर बच्चा जमा करे, हर बच्चा जमा करे। अच्छा, अब हर बच्चा सर अंसारी की ख्वाहिश पूरी करे, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस कॉस्ट। बोलो,
डब्ल्यू डी बी बोलो 374 आंसर 175 पहले भी यही आंसर है 175 जी 78 ईमानदारी से इसमें से ये दो माइनस कर दो ईमानदारी से चीटिंग नहीं धोखा नहीं देना उस्ताद और बाप को जल्दी करो हर बच्चा करे कोई बच्चा ऐसा ना हो जो मुझे धोखा दे रहा हो हर बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर हो शाबाश बोलो जी 6943798657 ओके हो गया ज़रा हेड डाउन करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के एजाज़ में थोड़े से हेड डाउन कर लें उठा लीजिए सर सर झुकाना सीखें बेटा आइंदा अगले 5 सालों के बाद बड़ा डेली रूटीन का वर्क होता है जी बेटा क्या पूछे थे यही पूछे जी बेटा क्या कह रहे कब बाय किया था बेटा यानी पुराना खरीदा भाई कब बाय किया था पुराना खरीदा भाई जब मैंने जिंदगी शुरू की इस क्वेश्चन में तो कब पे खड़ा हूं एक एक साथ पे खड़ा हूं तो इसका मतलब ये माजी में इसमें शामिल हो चुके तो जो डिस्पोजल हो रहे हैं वो कब खरीदे थे माजी में और वो इसमें शामिल हैं इसलिए पहले उन्हें आउट किया कौन से 61 बच गए जो पूरे साल इस्तेमाल हुए और उन पर मैंने फ्रैक्शन 12/12 लगाई इन्हें क्यों एक्सक्लूड किया ये कितने महीने के बाद चला गया 5 तो इसमें कितने महीने की डेप्रिसिएशन तो मैंने ये देखें 5 महीने की ली अगर मैं इसी में शामिल रखता तो ये कितने महीने के लिए डेप्रिशिएट हो जाता 12 महीनों के लिए जबकि इसे डेप्रिशिएट होना चाहिए था इसे कितने महीनों के लिए ये देखें मैंने 8 महीनों के लिए किया अगर ऊपर से एक्सक्लूड ना करता तो कितने महीनों के लिए डेप्रिशिएट हो जाता 12 महीनों के लिए अब भाई जी क्या बनाना है डिस्पोजल अकाउंट क्या बनाना है कितने बनाएंगे 2 आप बनाए मैं सिखा चुका हूँ डिस्पोजल अकाउंट बना के दें बेटा बातें नहीं प्लीज एक छुट्टी नहीं करनी है एक बातें नहीं करनी बाकी इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी जी भाई पहला डिस्पोजल बनाने लगा ये 7 लाख वाली आइटम का ये कब हमें छोड़कर गया जब ये हमारी बिजनेस के रिकॉर्ड से बाहर निकलेगा
तो क्या एंट्री पास हुई? अपनी डिस्पोजल डेबिट, अपनी कितनी कॉस्ट है, जब इससे रिलेटेड अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकली तो डेट क्या थी? 31/5 एंट्री बोले। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट फिगर बताएं, 116। जब मैंने कबाड़िए को या कबाड़न को ये एसेट दे दिया 7 लाख वाला, तो कितना कैश आया? कैश आने की एंट्री बोले, कैश डेबिट कितने से? ये कब आया? 31/5 कैश तो उसी दिन आएगा जिस दिन डिस्पोजल होगा। बड़ी साइड बताएं, टोटल कर दें, दूसरी तरफ भी 7 लाख में से ये 2 माइनस करें, 286 टू, ये क्या है? लॉस ऑन, दोबारा बोले, डेट बोले, ओके। अब डिस्पोजल 2 आप बनाएं, 1 मिनट दे रहा हूं। जो बना चुके होते हैं ये अनाउंसमेंट उनके लिए तो होती नहीं है। दूसरा डिस्पोजल कब हुआ? 31/8 पहली एंट्री बोले, बिल्डिंग अपनी कॉस्ट बताएं, इसी डेट को अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकल गई, एंट्री बोले, कितनी फिगर? 7/8। ये जब मैंने ऑक्शन सेंटर में बेचा तो मुझे कितने पैसे मिले? कैश आने की एंट्री कितना? 4 लाख। किस डेट को? कौन सी साइड बड़ी है? टोटल करें, 6 लाख। दूसरी तरफ भी, क्या हुआ? गेन ऑन एंट्री बोले, हाँ गेन क्रेडिट होगा और डिस्पोजल फिगर 75,000। 31/8 डिस्पोजल डेबिट गेन क्रेडिट, और इधर लॉस डेबिट डिस्पोजल। यहाँ तक ओके? कॉपी हो गया? अब लिखें, डिस्पोजल अकाउंट एक फिक्टिशियस अकाउंट है, फर्जी अकाउंट है। उर्दू में लिखना है तो फर्जी लिख लें, आर्बिट्रेरी लिख लें। डिस्पोजल अकाउंट एक फर्जी अकाउंट है, आर्बिट्रेरी अकाउंट है, फिक्टिशियस अकाउंट है। स्पेलिंग बेटा, फिक्टिशियस अकाउंट है। आर्बिट्रेरी लिखना है तो आर्बिट्रेरी भी लिख सकते हैं, FICTITIOUS फिक्टिशियस, ARBITRARY आर्बिट्रेरी, दोनों का मतलब फर्जी होता है, मस्नूई जिसे कहते हैं, मस्नूई। अब मस्नूई सही लिख लेना बस, ठीक है, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, ठीक है।
ये अकाउंट, आगे लिखें, ये अकाउंट गेन लॉस डिटरमिन करने के लिए बनाया जाता है, गेन लॉस डिटरमिन करने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग एंट्री पास करते हुए डिस्पोजल अकाउंट कहीं नहीं लिखा जाएगा। क्या कहा? अकाउंटिंग एंट्री पास करते हुए डिस्पोजल अकाउंट, बोलिए, कहीं नहीं लिखा जाएगा। देखिएगा, इसकी क्या बनाने लगा हूं, अकाउंटिंग एंट्री, फिर इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपसे बनवाऊंगा, जो पूछूं उसका जवाब देना। जब डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो बिल्डिंग क्या हो रही है, जब डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है तो कैश, तो कह सकता हूं कैश डेबिट हुआ कितने से, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, बिल्डिंग खुद क्या हुई कितने से। इंट्रो में पढ़ा था कि दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, कौन सी साइड बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, इन दोनों को जमा करें या माइनस करें, 75 कहां लिखा, और गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है, गेन क्या होता है, तो यहां क्या लिखूंगा, गेन ऑन डिस्पोजल, इसे कहते हैं गेन लॉस की अकाउंटिंग एंट्री। क्या कहते हैं? और अकाउंटिंग एंट्री में मैंने क्या नहीं लिखा, क्योंकि डिस्पोजल एक आर्टिफिशियल आइटम है, फिक्टिशियस आइटम है, इसको अकाउंटिंग एंट्री में नहीं लिखेंगे। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री आप मुझे लिखवाएंगे, बताएं जी, कैश को क्या करूं, कैश को सर अंसारी डेबिट करें कितने से, ठीक है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, 116, बिल्डिंग को क्या करूं, बिल्डिंग को क्रेडिट। अब बताएं कौन सी साइड बिगर है, क्रेडिट साइड, डिफरेंस कहां लिखूंगा, कितना, 283 62, ये क्या है, लॉस ऑन, लॉस ऑन, ओके हो गया, तो क्रेडिट शॉर्ट है तो गेन, डेबिट शॉर्ट है तो लॉस, लिखो, अकाउंटिंग एंट्री में क्रेडिट शॉर्ट है तो गेन, डेबिट शॉर्ट है तो लॉस। क्या कहा, क्रेडिट शॉर्ट है तो गेन, डेबिट शॉर्ट है तो लॉस। अब मेरी बातों का ध्यान से जवाब दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, एसेट की जिंदगी का पहला साल हो, तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला बताएं, ठीक है, WDV मेथड हो, एसेट की जिंदगी का पहला साल हो, कॉस्ट इंटो रेट, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, एसेट की जिंदगी का सबसीक्वेंट ईयर हो,
कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। डब्ल्यूडीबी मेथड हो, एसेट की जिंदगी का सब्सिक्वेंट ईयर हो, कॉस्ट गलत बोल रहे हो, डब्ल्यूडीबी इनटू डेप्रिसिएशन रेट। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में फार्मूला हर साल सेम रहता है। डब्ल्यूडीबी में पहले साल कॉस्ट इनटू रेट और दूसरे सालों में। अब अगली बात सुने, अगर ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से होता तो 23 लाख ओपनिंग एसेट की कॉस्ट थी, उसमें से जाने वालों की कॉस्ट माइनस करते, जो बाकी बचता उस पे रेट नहीं लगाते, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू और फिर रेट लगा देते। डब्ल्यूडीबी मेथड है तो पहले ओपनिंग एसेट की डब्ल्यूडीबी बनाई, क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर है, पहला साल तो नहीं है इन एसेट्स का। कॉस्ट में से क्या माइनस किया, ये तमाम ओपनिंग एसेट्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी आई, फिर उसमें से जाने वालों की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी माइनस की। पूरा बोलें, ये तमाम ओपनिंग एसेट्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है, इसमें से जाने वालों की, ये रुक जाने वालों की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है, ये क्या लगाया और 12 बटा ये दो इनकी जिंदगी का किस पर रेट लगा दिया, आगे फ्रैक्शन लगा दी। ये जाने वाले हैं, ये इसका मतलब ये पुराने एसेट थे, ये देखो इसमें शामिल थे, तो ये इनकी जिंदगी का सब्सिक्वेंट ईयर है, तो क्या पकड़ी, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी पकड़ी। क्या बोला, क्या लगा दिया और फ्रैक्शन लगा दी। रिटेन्ड एसेट्स पर 12 बटा एडिशन पर फ्रैक्शन, रूल बताएं, डिस्पोजल पर रूल बताएं। जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकालनी है तो ये किसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कब से कब तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।